أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبو القاسم محمد एक शख्स हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहने लगा कि या अली नजर का दिमाग क्यों नहीं होता है। तो मौला अली ने फरमाया कि तूफान नूह से पहले गधा बहुत चालाक था और उसके पास बहुत दिमाग था। जब तूफान नूह आया तो सब जानवर कश्ती अगर नूह में चलने लगे, उसमें गधा भी था। हजरत नूह ने तो सोचा कि कोई जानवर भूख से ना तड़पे, इसीलिए सबके लिए खाने का इंतजाम किया। तो गधा अपनी चालाकी से सब जानवरों का खाना नहीं चोरी कर लेता। और जब हजरत गधे से वो पूछते हैं कि अगर ये खाना किसने खाया, तो गधा ने झूठ बोल देता था कि मैंने नहीं खाया। एक दिन हजरत ने वो अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरे अल्लाह जो भी इन जानवरों का खाना दे चोरी क्यों करता है उसको इतना बेवकूफ बना दे उसको इतना बेवकूफ बनाए कि वो कभी भी चोरी भी ना कर सके। और तब से वह गधा बेवकूफ है। आज 15 सफर है, इमाम हुसैन शहीद हो गए, खैमे में जला दिए गए। जब सबके सर नैजे पर थे, जो बच्चे थे उनके हाथ में रस्सी बांध के ऊंट पर बिठाया जा रहा था एक जगह पर। हुसैन का सर आगे नहीं हो पाया था, तो शिमले ने सज्जाद से कहा कि जाओ पूछो कि हुसैन का सर आगे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इमाम सज्जाद गए और अपने बाबा से पूछा कि ए बाबा आपका सर आगे के क्यों पड़ा है। तो पहले हुसैन के सर से आवाज आई कि सकीना का पीछे ऊंट से गिर गई है, पहले उसे लाने तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।